सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। संबल में पैतृक गांव पहुंचा पूर्व मंत्री का पार्थिव शरीर, समर्थक कर रहे अंतिम दर्शन, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जताया दुख। वन विभाग ने मेरठ में 3.5 घंटे चलाया ऑपरेशन सांभर, जाल लगाए, घास डाली फिर भी नहीं फंसा। नोएडा में बनेंगे 18 डॉग शेल्टर, प्राइवेट संस्था चलाएगी। डॉग लवर्स बोले चाहे एक ही बनाए मगर इलाज, वैक्सीनेशन, सब सुविधाएं मिले। वाराणसी में गंगा में नाव पलटी, 34 दक्षिण भारतीय श्रद्धालु निकले थे, सभी का रेस्क्यू, 2 हॉस्पिटल में भेजे गए। ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल की एक दर्जन गाड़ियों ने पाया काबू। हापुड़ में लोहा पिघलाने की फैक्ट्री में गिरकर मैनेजर की मौत, मृतक के परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। डमरू संघ पर तमिल डेलीगेट्स का काशी में स्वागत, संगम में पहुंचे 216 लोग। इको गार्डन पहुंचे हजारों किसान, सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा, राजभवन मार्च का कर चुके ऐलान, ट्रक स्टिकैत भी धरने में शामिल। झांसी में 6 साल की बच्ची का किडनैप, रिश्तेदार बनकर घर पहुंचा आरोपी, अपने साथ ले गया, 17 घंटे से कोई सुराग नहीं। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 15 CHO को बांटे लैपटॉप, स्वास्थ्यकर्मी टेक्निकल सुविधाओं से होंगे लैस। गर्लफ्रेंड की हत्या कर खुद को मारी गोली, मेरठ में रोडवेज लिपिक की लव स्टोरी का दाइंड। चूहे को नाले में डुबोकर मारने वाले को जेल, एसी कार में बरेली के IVRI पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया चूहे का शव। रायबरेली में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, युवक बोला साहब मेरे पास जो था सब दे दिया, ना विदेश जा पाया ना किसी लायक रहा मुझे नया। तो कानपुर में रोनिल मर्डर केस में पुलिस का सरेंडर, 5 IPS अफसर मिलकर भी नहीं कर सके मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। बच्ची पर कार चढ़ाने वाले सिपाही पर कार्रवाई नहीं, दहेज में मिली कार के ट्रायल के समय 9 लोगों को रौंदा था, बच्ची समेत 2 की गई जान। कौशाम्बी में फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा TB अस्पताल, DTO सहित 1.5 दर्जन स्टाफ हैं। संत कबीर नगर में दोस्त ने की युवक की हत्या, मामूली झगड़े के बाद चाकू से गला काटा, फिर पुआल से ढका, 3 दिन पहले मिला था शव। भाई की मौत से टूटे बहन के अरमान, सुल्तानपुर में साधी के साथ होगी स्वाति की शादी, आश्रम में पूरी होगी विवाह की रस्में। नोएडा में विला का ताला तोड़कर 1 करोड़ की चोरी, घर वाले बोले 40 लाख की नकदी और 60 लाख की ज्वेलरी ले गए चोर। सोनभद्र में उत्पीड़न के केस में पति देवर गिरफ्तार, 1.5 साल पहले की लव मैरिज, फिर पत्नी को छोड़ा, ससुराल जाने पर की मारपीट।
औरैया में दूसरी शादी कर रहे दूल्हे की खुली पोल, दुल्हन व पहली पत्नी पहुंची थाने, दूल्हा फरार, 2 साल पहले हो चुकी है शादी। जबरिया दुकान गिराने के मामले में FIR कराएंगे, राम गुलेला मार्ग के पीड़ितों ने DM SSP से शिकायत की। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली, 11 मुकदमे दर्ज हैं, फरार बदमाश को पकड़ने के लिए काबिज। हापुड़ में रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 30,000 रुपए का लगा जुर्माना, अपहरण कर किया था दुष्कर्म। बहराइच में बाघ के टहलने का वीडियो आया सामने, SSB व वन विभाग की टीम कर रही थी गश्त, सामने आ गया बाघ। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत। कानपुर में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को लगी गोली, मौके पर हुई मौत, रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। लखनऊ के शहीद पथ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने इंडिगो कार में मारी टक्कर, हादसे में एक महिला और पुरुष को आई चोट, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। कानपुर में तेजाब की बोतल लेकर नाच रही महिला का वीडियो आया सामने, महिला ने तेजाब से भरी बोतल फेंकी, 2 सगी बहनें झुलसी। रायबरेली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में कूड़े के ढेर में कोल्ड स्टोर कर्मियों ने लगाई आग, कोल्ड स्टोर मालिक और कोल्ड स्टोर कर्मचारियों ने DM के आदेश की उड़ाई धज्जियां। गाजियाबाद में चोर द्वारा ठेली को चुराने का मामला आया सामने, चोर ने बड़े आराम से हाथ ठेली को चुरा कर हुआ फरार। लखीमपुर खीरी में मृतक रेप पीड़ित बहनों के परिवार को मिला कांग्रेसियों का चेक हुआ बाउंस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने किया विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण, रोजाना साफ सफाई करने के दिए दिशा निर्देश। रायबरेली में भूमाफियाओं ने प्रशासन से साठगांठ कर लाखों रुपए की कीमती जमीन पर जबरन किया अवैध निर्माण, पीड़ित प्रशासनों को दी चेतावनी। लखनऊ में नखास स्थित शिया कॉलेज में प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए देश भर के शिया धर्मगुरु, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना मकसद। रायबरेली में DM ने धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, धान केंद्र पर लाने पर तुरंत कराएं तौल, लापरवाही पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्लांट में गंदगी डालने पर 50,000 जुर्माना वसूलेगा नगर निगम, खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा मलबा मिला तो मालिक पर लगेगा जुर्माना। रायबरेली में वसीम से सबीर प्रताप सिंह बना TV मैकेनिक, लड़की को ना सिर्फ अपने प्रेम में फंसाया बल्कि उसे हासिल कर जबरन धन परिवर्तन करवाया। साठ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में दलित की बारात, बेटी के पिता ने घुड़ चढ़ी के लिए लगाई थी सुरक्षा की गुहार। रायबरेली में 12 तालाबों पर प्रशासन ने चला दी JCB, भारी विरोध के बीच तालाबों को अवैध कब्जेदारों से कराया मुक्त। फरुखाबाद में रेलवे लाइन के किनारे छत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव,
कसाईयों ने अधेड़ काट रेलवे ट्रैक किनारे फेंका। रायबरेली में हिंदू किशोरी को अगवा कर ले जा रहे थे मुस्लिम युवक, पिता ने बचाया, का धर्म परिवर्तन करा, बेच देते। आगरा में दिनदहाड़े युवती की हत्या, बीच बाजार दौड़ाकर सिर में मारी गोली, भाई पर मर्डर का शक। बरेली की युवती का धर्म परिवर्तन कराकर आगरा में गैंगरेप, अजमेर और बिहार में भी बंधक बनाकर रखा। कानपुर में फिर गायब हुआ तेंदुआ, 24 घंटे से वन विभाग को नहीं मिले कोई निशान, तेंदुओं के हमले की उड़ी अफवाह। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी, एक तस्कर गिरफ्तार, आगामी निकाय चुनावों में बांटने के लिए हरियाणा से लाई गई थी। महाराजगंज में बेटे ने मां को सड़क पर पटक पटक कर पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, मुंह पर मारे लात घूंसे। नोएडा में लिफ्ट में डॉग ने बच्चे पर किया हमला, महिला ने लिफ्ट रोककर बच्चों को किया बाहर, वीडियो हो रहा वायरल। हापुड़ में महिला से गैंगरेप, खुद को वकील बताकर मदद का झांसा दिया, साथी के साथ मिलकर नशा देकर की दरिंदगी। होटल मैरिज होम को लेना होगा बार लाइसेंस, अलीगढ़ में डीएम ने सभी के लिए जारी किए आदेश, घर में पार्टी की तो होगी लाइसेंस की जरूरत। गोरखपुर में मकान का ताला तोड़कर 10 लाख की चोरी, 6 लाख कैश और 4 के जेवरात ले गए चोर। बिजनौर में आधा दर्जन दरोगाओं के तबादले, झालू चौकी इंचार्ज को हटाया गया, जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य। बरेली में प्रेमी ने धोखा दिया तो प्रेमिका ने खाया जहर, 21 साल की युवती का 5 साल से पड़ोस के युवक से चल रहा था अफेयर। ललितपुर में वन विभाग के जमीन पर हो रहा कब्जा, जानवरों की सुरक्षा को हुआ खतरा, 4 पर दर्ज हुई FIR। हरदोई में आर्य समाज की संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा, पुलिस प्रशासन के कार्रवाई ना करने से दबंगों के हौसले बुलंद। आगरा में स्कूल शिफ्ट करने पर फूट फूट कर रोई छात्राएं, बोली सड़क पार करनी पड़ेगी, डर लगता है, नए स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ा रहे हैं। सीतापुर में सीओ सिटी की दबंगई, मासूम बेटे के सामने शिक्षक को पीटा, घसीट कर थाने की पुलिस से पकड़वाया। प्रयागराज के बीकानेर मिष्ठान भंडार में लगी आग, प्रयागराज के झूसी में स्थित है यह दुकान, मिठाई समेत पूरा सामान जलकर राख। बिजली के खंभे पर धू-धू कर जला लाइनमैन, अलीगढ़ में शटडाउन की सूचना के बाद भी चालू की सप्लाई, पोल पर घंटों लटका रहा शव। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी आलिम मरहम के घर की कुर्की, सपा विधायक के 2 बेटे हत्या के मुकदमे में चल रहे हैं वांछित। रायबरेली में मनाया गया संविधान दिवस, जिला अधिकारी ने बचत भवन सभागार में कर्मचारियों को दिलाई शपथ। लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर, राहगीरों ने रोडवेज ड्राइवर को जमकर पीटा।
आगरा में खून के रिश्ते हुए लहूलुहान, भाई ने बहन को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर हत्यारोपी हुआ फरार। मतदान बूथों का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण, फरुखाबाद नगर निकाय चुनाव की चल रही है तैयारियां, डीएम ने देखी व्यवस्थाएं। हाथरस में 28 को होगा श्री सीताराम विवाह महोत्सव, निकाली जाएगी राम बारात शोभा यात्रा, मंदिर को अवधपुरी के रूप में सजाया गया। भदोही में 15,000 का इनामी गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में एक वर्ष से फरार चल रहा था अभियुक्त। बागपत में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, गांव बिचपड़ी में आरोपी वसीम की लाखों की कीमत जमीन पर, सरकारी बोर्ड। श्रावस्ती में बच्चों को बताए ट्रैफिक रूल्स, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर यातायात पुलिस बच्चों को भी कर रही जागरूक। संसद का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग, मुजफ्फरनगर में संविधान दिवस पर अंबेडकर युवा मंच ने राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हादसा, एक के बाद एक करके टकराए तीन डंपर, हादसे में एक की मौत, तीन घायल। देवरिया में युवती से रेप, पति से विवाद के बाद गांव के युवक ने शादी का झांसा दिया, दरिंदगी कर चला गया खाड़ी देश। रायबरेली में बाप बेटी पर दबंगों ने किया हमला, दोनों की हालत गंभीर, जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। शाहजहांपुर में चाचा की हत्या करने वाले गिरफ्तार, मकान निर्माण के दौरान भतीजों ने पीट पीट कर की थी हत्या। फरुखाबाद पुलिस ने दुकानदार की हत्या का आरोपी पकड़ा, लोहे की रॉड से पीट कर की गई थी दुकानदार की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।